समलैंगिक विवाह को प्रोत्साहित करने एवं उसे कानूनी जामा पहनाने का कड़ा विरोध करते हुए शुक्रवार को रांची प्रेस क्लब में रांची के विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक संगठनों सहित सरना, सनातन, सिख, जैन आदि विविध मत पंथों के प्रतिनिधि तथा संत समाज के लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें समलैंगिक विवाह को अवैध घोषित करने की मांग के साथ ही कहा गया कि यह कानून भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है, इसे कानूनी मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं इस कॉन्फ्रेंस में सभी पंथ और समुदाय के लोगों ने इस विवाह का एक स्वर में विरोध किया है। आपको बता दें कि वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम फैसले में समलैंगिक यौन संबंध पर औपनिवेशिक काल से लागू पाबंदी को खत्म कर दिया था और समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था। वहीं एलजीबीटी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे अब भी समलैंगिक विवाह को कानूनी संरक्षण दिए जाने से वंचित है, जो अन्य लोगों के लिए बुनियादी हक है। हालांकि आगे देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला सुरक्षित रखेगी या सुनाएगी या फिर ये केंद्र सरकार पर छोड़ेगी। ये मुद्दा बहुत साधारण मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारी जड़ों पर आघात करने वाला है। पूरा समाज इससे ध्वस्त हो जाएगा और व्यक्ति एक इकाई है जिससे समाज बनता है और व्यक्ति से परिवार बनता है और परिवार की जो संगठित जो अवस्था है वो समाज है। तो अगर आप परिवार को ही नष्ट कर देंगे तो हम जो सदियों तक विदेशी आक्रमण और इस तरह के से निकल चुके हैं वो पुनः हम लोग एक अंधकार के युग में प्रवेश करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। यूँ तो ये कानूनी मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको हाथ में लिया है, लेकिन हम लोग भारत के लोग, हम लोगों का भी ये दायित्व है कि अगर कोई बात चल रही थी इसके बारे में अपने कान खुले रखें, अपने विचार की शक्ति का उपयोग करते हुए इस बारे में हम लोग अपनी चेतना को और एक सामूहिक रूप से एक संदेश जाना चाहिए पूरे देश भर से, जो जहां है इस बात को कहे कि भी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज इस बात को प्राथमिकता से ले रहे हैं, क्या वो सही में प्राथमिकता है और इसके जो परिणाम होने वाले हैं वो हमारे समाज के लिए क्या वो हानिकारक नहीं होंगे, इस बात पर विचार करना भी आवश्यक है। जन जन तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का हम लोग सम्मान करते हैं। आपने जो कानून बना दिया समलैंगिकता को मान्यता देने के लिए, वो कानून है। अब जब कानून बन गया है तो हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे, फैसला आ गया हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे कि समलैंगिकता को आपने अपराध के दायरे से हटा दिया। लेकिन अगर आप कानून बना देंगे तो पूरा धार्मिक सिस्टम जो बना हुआ है वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। तो हम लोग हिंदू साधु संत इसका प्रबल विरोध करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। जो है ख्वाहिशात को पूरा करना और शादी करना, इसको हम जिंस परस्ती कहते हैं और इस्लाम में हम जिंस परस्ती ये हराम है। इस्लाम में एक उसूल है निकाह, और निकाह जो किया जाता है औरत का मर्द के साथ और मर्द का औरत के साथ, और ये जो नियम है, ये जो कानून है, ये इस्लाम की नज़र में ये बिल्कुल हराम है और ये बिल्कुल गैर अखलाकी है और इस्लाम के अंदर एक बहुत बड़ा जुर्म है और इस्लाम के अंदर सख्त से सख्त सज़ा है ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह का जुर्म करता है। इससे मैं कम्प्लीटली सहमत हूँ। एक चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ कि आजकल हम लोग बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट गोल्स के तहत, हम बात करते हैं इंक्लूसिव सोसाइटी की। तो जब हम इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करते हैं तो उसमें हम लोग सब कुछ इंक्लूड करते हैं उसमें। तो अब जैसे LGBTQ वाली जो कॉन्सेप्ट है, दैट्स अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट जब यहाँ पे आई फिर लोगों ने अलग अलग डिमार्केशंस किए अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशंस के। अब ऐसा है कि 400 पेरेंट्स ने CGI को एक पेटिशन दिया कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे की ज़िंदगी को आप लोग खुशहाली में बदल दीजिए, आप उनको सेम सेक्स मैरिज अलाउ कर दीजिए। नाउ द थिंग इज़ कि अगर ये सेम सेक्स मैरिज अगर अभी होता है, अब कोर्ट ने ये भी कहा कि जस्ट बिकॉज यू आर अ मैन बट यू हैव अ वुमेन्स ओरिएंटेशन, यू विल नॉट बी अ मैन, यू विल बी अ वुमेन, यू विल कॉल योरसेल्फ अ वुमेन, एंड इफ यू आर अ वुमेन विद द ओरिएंटेशन ऑफ अ मैन, यू आर अ मैन। तो वेरी कन्फ्यूजिंग। तो इन केस अगर इनके बच्चे होते हैं, अडॉप्टेड होते हैं, सरोगेसी से होते हैं, सरोगेसी भी अभी आई थिंक हमारे यहाँ पर इट्स क्रिमिनलाइज ना, तो फिर उस बच्चे का पहचान क्या होगा? दैट्स अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क। सोसाइटी में उसकी क्या पहचान होगी? दैट्स अ वेरी ह्यूज क्वेश्चन मार्क। तो ये अगर
प्रावधान और ये अगर वर्ड सुप्रीम कोर्ट की ओर से आता है तो मुझे तो ये लगता है कि ये इंक्लूसिवनेस की परिभाषा को ओवर इंक्लूसिव कर दे रहा है, ये एक्सक्लूसिव कर दे रहा है इस चीज़ को। तो ये नहीं होना है, बिकॉज हम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप LGBTQ हैं, आपका आपसी क्या रिलेशंस है उसमें किसी को कुछ कहना नहीं है, बट टू टर्न इट इनटू अ मैरिज इंस्टीट्यूशन आई थिंक दैट इज़ वेरी रॉन्ग, और वो पूरे समाज के लिए हानिकारक है और वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए बहुत खराब है। न्यूज विंग के लिए रांची से चंदन राजपूत की रिपोर्ट। टफ ऑन XT600 HCR TNT रिबा, पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।